जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 01/1/2023 बैच बाय ग्रुप के न्यू सिलेबस के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके अग्निवीर बाय ग्रुप, यानी जिसको आप नॉन टेक्निकल ग्रुप भी बोलते हैं, उसके न्यू सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक बाय सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है सिलेबस को समझने में। इस वजह से मैंने पूरे सिलेबस को इकट्ठा करके एक पीडीएफ के रूप में तैयार किया, जिसमें आपके बाय ग्रुप के पूरे सिलेबस को कवर किया है, जिसमें आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। और जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी वहाँ पर मैंसन किया है। जैसे आपसे कई बार बोल देते हैं कि आपके नरेशन से क्वेश्चन आएगा, यानी डायरेक्ट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके कितने आपके प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, उसको यहाँ पर भी डिफाइन करके आपको सारी बातें बताएंगे, जिसको आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अपने सिलेबस को समझने में। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो मिलेगी, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से आके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस पीडीएफ को देख सकते हैं जो आपकी सिलेबस की है बाय ग्रुप के। आपको थोड़ी बहुत बाद में जो आपको प्रॉब्लम लग रही होगी उसके लिए माफी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा जो गले में प्रॉब्लम है उसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। इसी वजह से मैं आपको जो जनवरी में एग्जाम है उससे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, कि जो भी बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी जो प्रॉब्लम है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है आपकी वीडियो में, लगातार बोलना पड़ता है, इस वजह से दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बायो ग्रुप के सिलेबस के लिए। ऊपर के काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि बायो ग्रुप के सिलेबस को समझाइए, क्या पूछा जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आपके परीक्षा ऐप पर आपके एयरफोर्स अग्निवीर एक्ट एंड बाय ग्रुप के जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, अभी तक आप टेट सीरीज को देख रहे थे, अब यहाँ पर देखेंगे आपके वीडियो लेक्चर्स को। अगर आप देखेंगे तो जनवरी स्पेशल आपके हैं। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने से पहले एक बात को ध्यान रखना है कि इस कोड का यूज़ करना है, जिससे आपको 70% का ऑफ मिल जाएगा। और इसकी जो लिंक है मैंने परीक्षा ऐप की, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो वहाँ से आगे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते फ्रेंड्स अपने टॉपिक के ऊपर, अब बात करेंगे आपके न्यू सिलेबस के ऊपर। जो भी आपका सिलेबस उसको पूरा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुके हैं आपके एयरफोर्स बायो ग्रुप सिलेबस के ऊपर, यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए जो सीधा है टाइम मैं बता देता हूँ। पहले मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो पीडीएफ है कहाँ पे मिलेगी आपको, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो इसको आप जरूर देख लें। और टेलीग्राम की जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश में आप देख लीजिए, सबसे पहले पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जिसको आप बोलती हैं, जो आपके एक पैसे आते हैं उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। किन तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले वो समझनी कि आपके जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका पैसे से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन रहता है, कि एक कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आपका कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कोई पैसे एक दो बार पूछा गया इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जो आपका औद्योगिक क्षेत्र होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, इस वजह से मैंने नाम लिया। कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका प्राइवेटाइजेशन से क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, तो उसमें पैसेज में ही आंसर होता है। वहाँ पर आपको उसका आंसर वहीं पर ढूंढना होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से आपका आ गया एक एक क्वेश्चन, वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कोई लाइन वगैरह वहाँ के नीचे ड्रा होगी किसी वर्ड के नीचे, उसका मतलब या आपसे उसका मीन पूछ सकता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर वोकैबुलरी के सेक्शन से पूछ सकता है, यानी कि कोई वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपका मान लीजिए कि वहाँ पर हंगरी लिखा हुआ है या लोकेशियस लिखा हुआ है। मान लीजिए कि लोकेशियस बर्डी चट्टी जिसको बोलते हैं, गैरुलस जिस बकवासी जिसको बोलते हैं, एक बर्ड मेरे दिमाग में आ गया, उसको बोल दिया कि वहाँ पर लोकेशियस कहीं पर लिखा हुआ है बाई चांस, मान लीजिए उसके नीचे ड्रा है, इसका सिनो पूछ लिया आपसे कि इसका सिनो क्या होगा, तो जो ऑप्शन होगी वहाँ पर आपका डिस्कस होगा कि वहाँ पर गैरुलस लिखा होगा कि चैटी लिखा होगा, बर्डी लिखा होगा, क्या टॉक टेबल लिखा होगा, तो सारी बातें वहाँ पर आपकी मैंसन होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रामर से देख लीजिए कि ग्रामर में वर्ब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं और कितने टाइप से आप पूछ सकता है, यहाँ पर आपके टाइप भी लिखे हुए हैं, तो इनको आप पढ़िए ध्यान से। तो इसी वजह से ये पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक को कवर करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वो बोलने में प्रॉब्लम है, इस वजह से उसको जितना छोटा है उतना ही रखना चाहते हैं। ग्रामर से देख लेते हैं कि आपसे ग्रामर में देख लीजिए कि आपने डिटरमाइनर्स यानी आर्टिकल जिसको आप बोलते हैं वो आपसे पूछा जाएगा, प्रपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, मॉडल्स और क्लॉजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे। वोकैबुलरी पोस्टर में देख लीजिए वही आपका स्नो, एंटो, बनवर्ड, आपका स्पीलिंग, एडियम्स और जो आपका कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होती है उससे रिलेटेड। नरेशन से देख लीजिए कितने टाइप से आपसे पूछ सकता है, इतने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्टिव पैसिव वॉइस से आप इतने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉडल से, प्रपोजिशन से, जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद चलते हैं आपसे नीचे जो जंबल जिसको आप समझिए कि पी क्यू आर एस वाला जो सेक्शन होता है, पी क्यू आर एस वाला पैरा जंबल जिसको आप बोल सकते हैं, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है। 100% आते हैं ये क्वेश्चन, जो आपका जितना लिखा हुआ है 100% यहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है, या नहीं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो
पता है कि कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आप आगे मैथ का डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे थे आपके रागा के सिलेबस के, यानी जहाँ पे हम मैथ को डिस्कस करेंगे, आपकी रीजनिंग को डिस्कस करेंगे और आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन होता है उसको डिस्कस करेंगे। सारी बातें हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो रीजनिंग में देख लीजिए कि आपकी वर्बल नॉन वर्बल दोनों आपसे जो आपकी रीजनिंग होती है वो आपसे पूछी जाती है। जैसे कि कुछ मैं टॉपिक्स को बता देता हूँ, आपकी न्यूमेरिकल सीरीज है, आपकी डिस्टेंट डायरेक्शन है यानी कि दिशा दूरी वाले हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपकी नंबर रैंकिंग है, आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, ह्यूमर रिलेशन जिसको ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं, ऑड मैन आउट्स है, आपके विषम छाटिए जिसको आप बोल सकते हैं कि विषम छाटिए, कोई सीरीज लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि चार यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, नौ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, सोलह और यहाँ पे आपका 19 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है या आपका 24 मान लीजिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि इसमें विषम कौन है, तो आपको आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये दो का है, ये तीन का है, चार का और यहाँ पर भी पाँच का होना चाहिए, तो यही आपका ऑड है। इस तरीके से आपके इसका समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आपका वही तरीके से डायरेक्शन जो आपके डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं, एनालॉग्स आपका जो रहता है, नंबर कोडिंग, नंबर पजल्स आपका रहता है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। इसी वजह से मैं बोलता हूँ इसको आपको भी पढ़ना है कि क्या क्या सिलेबस देखना है। इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं और अपने कहीं पर अपने पास रख भी सकते हैं। इसी वजह से इसको पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है कि आपको ये मिल जाए और आप इसको प्रिंट भी करा लें आराम से। अब चलिए बात कर लेता हूँ आपका जो मैथमेटिक्स जो आपकी रहती है, यानी कि जो आपका मैथ पूछा जाता है आपसे, मैथ का ध्यान रखना है कि आपको अर्थमेटिक टाइप आपकी मैथ पूछी जाती है, यानी कि जो आपकी अंकगणित होती है, हिंदी बोले तो अंकगणित आपसे पूछी जाती है। अंकगणित में देख लीजिए कि आपकी रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात, समानुपात, एवरेज, औसत, एलसीएम, एचसीएफ, लासा और इसको मासा बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, जो आपकी दिशा दूरी, समय वाला रहता है, परसेंटेज, सभी से एक एक क्वेश्चन आता है। और मैथ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रागा जो बाइक रूप में होती है वो मैथ थोड़ी आपसे ज़्यादा ही पूछी जाती है, तो मैथ को भी आपको अच्छे से फोकस करके जाना है। अब हम नीचे चलते हैं तो आपसे 2D से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रेयर रहता है कि प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाए, टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, जनरल नॉलेज में देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है, जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपका एक आध फिजिक्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, या आपको या केमिस्ट्री का या आपको एक बायो का, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन मिल सकता है। या फिर आपकी ज्योग्राफी यानी कि जो आपकी भूगोल होती है उससे नदियाँ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो भी कैसे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट इवेंट्स में आपको ज़्यादा फोकस करके नहीं आना है, आपको अवार्ड वगैरह को देख लेना है कि अवार्ड अभी कौन सा मिला, कौन किसको मिला, इस तरीके से देख सकते हैं। हिस्ट्री भी आप देखते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में आपके कई टॉपिक्स रहते हैं, अगर हिस्ट्री आप पूरा पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो आपका थोड़ा रहता है कि यहाँ से मुश्किल में क्वेश्चन कितने पूछ जाते हैं, 30, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग का जो वेट रहता है वो ज़्यादा रहता है। मैथ रीजनिंग ये मान के चलिए कि कम से कम मैथ रीजनिंग अगर आएगा तो 25 का मैथ रीजनिंग दोनों मिला के, और यहाँ से 5 से सारी बातें बेसिक कंप्यूटर्स में आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, ज़्यादातर फुल फॉर्म आपसे पूछता है, ये आपका 100% रहता है। तो अब इतना जो सिलेबस है आपका पूरा इसमें कवर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं और आपको इसको कहीं ना कहीं से प्रिंट करा लेना है, आपको मिल जाए और सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते, जो कि मैंने लिखा हुआ था थंबनेल पे, तो वो भी बता देता हूँ कि आपसे 20 इंग्लिश में पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश में और आपके 30 रागा में आपको टाइम मिलता है, यानी टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 50 और यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज पास होना होता है, यानी कि सेक्शन फर्स्ट जो आपका सेक्शन वाइज यानी समझते हैं इंग्लिश में भी पास होना है और रागा में भी पास होना है। पासिंग मार्क अलग से जो कट ऑफ उठती है, पासिंग मार्क अलग से उठता है, कट ऑफ उसके अबव जाती है, यानी इंग्लिश में अगर पासिंग मार्क उन्होंने 10 का उठाया, रागा में 15 का उठा दिया पासिंग मार्क, ये पासिंग मार्क है, इसको आपको 100% क्वालिफाई करना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कट ऑफ 30 या उसके बाद 35 भी कट ऑफ हो जाती है, 36 भी हो जाती है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ जाती है, यानी कि पासिंग मार्क हो गया ओवरऑल 25। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको दोनों सेक्शन में पास होना है, टाइम मिलता है आपको 45 मिनट्स का, यानी कि आपको 45 मिनट्स मिलते हैं आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।